नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में। स्ट्रेस बेसिकली क्या चीज़ है कि अगर आप किसी भी मटेरियल के ऊपर, लेट्स सपोज ये मटेरियल था, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक स्टूडेंट ने लेट्स सपोज यहाँ से पकड़ा हुआ है, एक ही ने यहाँ से पकड़ा हुआ है, और दोनों फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी फोर्स, लाइक सपोज 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस साइड पे, 20 की वो इस साइड पर लगा रहा है, तो ये जो मटेरियल है इसके अंदर बेसिकली स्ट्रेस जनरेट होगी। स्ट्रेस जनरेट होगी, स्ट्रेस बेसिकली क्या होगी, जो इस फोर्स को रजिस्ट करेगी और इस फोर्स को भी रजिस्ट करेगी, ताकि इसकी जो शेप है वो चेंज ना हो सके। अब सबसे पहले तो ये कि इस तरह फोर्स लग रही है और इस तरह फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे आपके पास क्या टेंसाइल फोर्स लग रही है और वो पॉजिटिव है, और वो क्या करना चाह रही है फोर्स, कि इस जो वायर है या जो स्टील का रॉड है इसकी लेंथ क्या है, इंक्रीज कर जाए। स्ट्रेस बेसिकली एक उसके ऑपोजिट फोर्स है, इंटरनल मटेरियल की फोर्स है जो उसको, जो आप चाह रहे हैं कि टेंसाइल और उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, उससे रेजिस्ट करेगी। तो बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली जैसे आप एक कोई भी वेट ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, आप उसको फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो आगे मूव नहीं करता है। क्यों, हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस यहाँ से बहुत ज़्यादा है ज़मीन के साथ। आप फोर्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, एक टाइम आती है कि वो आगे को जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाता है, तो हम कहते हैं कि जो आपने फोर्स लगाई थी वो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस थी उससे ज़्यादा हो गई है, इस वजह से ऑब्जेक्ट जो है आगे को मूव कर गया। तो एग्जैक्टली यहाँ पर स्ट्रेस यही है कि यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, इंटरनल एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है जिसका नाम स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या करेगी, इसकी लेंथ को इंक्रीज़ नहीं होने देगी। आप फोर्स इंक्रीज़ करते जाएंगे दोनों साइड से या एक साइड से, एक टाइम आएगा जब आपकी फोर्स इस स्ट्रेस या ये जो रेजिस्टेंस अंदर प्रोड्यूस हो रही थी इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो आपकी ये जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल फोर्स है। एक जनरल एग्जांपल आपको वैसे एक मेमोरी के लिए देता हूँ कि कभी कभार आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपको कोई आके बात बताता है और आप कहते हैं कि यार मुझे स्ट्रेस हो रही है। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है, लेट्स सपोज मैंने आपको बताया कि आपका कल टेस्ट है, लेट्स एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब जब कल टेस्ट है तो फौरन आपको एक, आपकी इंटरनल बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस या टेंशन जिसे हम कहेंगे वो जनरेट हो जाएगी। तो बेसिकली वो क्या चीज़ होगी, टेंसाइल इज बेसिकली वो टेंशन जो आपको जनरेट हुई है, एंड स्ट्रेस प्रोड्यूस होने लगेगा आपके माइंड में इंटरनली। बात समझाने की मतलब ये बात करने का ये है कि जो मैंने आपको आके बात बताई कि टेस्ट होगा, वो बेसिकली ये चीज़ थी, मैंने एक आपको बात बताई है, तो आपके अंदर एक स्ट्रेस जनरेट हुआ है, बॉडी के अंदर एक फोर्स जनरेट हुई है, एक टेंशन जनरेट हुई है, उसका नाम स्ट्रेस है। ये सिर्फ आपकी एक मेमोरी के लिए एग्जांपल दी है ताकि आपको याद रहे कि स्ट्रेस क्या चीज़ है। स्ट्रेस ये फोर्स नहीं है, स्ट्रेस इंटरनल बॉडी की फोर्स थी जो जनरेट हुई है। तो ये बेसिकली हमारे पास था कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। तो सबसे पहले लिखा है एज वी नो डैट मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, क्या मतलब है कि जो आपकी बॉडीज चेंज हो सकती हैं, मैकेनिक्स उसके बारे में है। तो एक बॉडी है जिसकी शेप चेंज हो सकती है, हमने क्या किया, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी सफर्स डिफॉर्मेशन। तो क्या एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई और उसकी जो शेप है वो चेंज होगी। फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू दिस एक्शन वुड बी अपोज्ड और रिएक्टेड बाय इंटरनल फोर्सेस। तो एक इंटरनल फोर्स लगनी थी विच आर सेटअप विद इन द पार्टिकल्स ऑफ मटीरियल ड्यू टू कोहेशन। बेसिकली कोहेशन क्या होती है, जो मटीरियल इंटरनल फोर्सेज जो है वो जोड़ा होता है, मटीरियल को पकड़ा होता है उन्होंने, तो बेसिकली वो आपने जो उसके बॉन्डिंग है मटीरियल की उसको ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से उसमें क्या हो गई है, डिफॉर्मेशन हो गई है। तो बेसिकली फिर वो क्या कह रहा है कि वो जो कोहेशन, जो बेसिकली मटीरियल ने बॉन्डिंग की हुई है आपस में, उसकी वजह से जो आपके पास फोर्स जनरेट होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस।